हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हमने मुगल एम्पायर के ऑलमोस्ट तीन इम्पीरियर के बारे में देख लिया था, है ना, बाबर, हुमायूं एंड अकबर, है ना। अकबर को हमने तीन पार्ट में कंप्लीट करा था, ठीक है ना। उनकी पहले की बायोग्राफी कंप्लीट करी, फिर उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने मनसबदारी सिस्टम स्टार्ट किया था, फिर उनके नौ ज्वेल्स, नौ रत्न जो थे उनके, ठीक है ना। तो आज हम लोग जो है एमसीक्यूज पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन पार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो रिवीजन पार्ट कर लेते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि अकबर का बर्थ, डेट ऑफ बर्थ कब का है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो अकबर का जो जन्म हुआ था वो अमरकोट में हुआ था, है ना, और किस टाइम पे हुआ था, 1542 में, ठीक है ना। लेकिन अकबर का जो रूलिंग पीरियड रहा था वो 1556 से लेके, है ना, कहाँ कहाँ पे हुआ था। सबसे पहले अमरकोट में उनका बर्थ हुआ था, ठीक है ना, 1542, ठीक। देन उनका रूलिंग पीरियड जो है वो 1556 से लेकर के 1605 तक का उनका रूलिंग पीरियड है, ठीक है। उसके बाद वो जब 13 साल के थे तो उन्होंने किनको हराया था, अफगान रूलर हेमू को हराया था, किसके अंडर में, बैरम खान के अंडर में, ठीक है ना। बैरम खान के अंडर में उनको हरा दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने उनकी जो आर्मी थी वो हल्दी घाटी में राणा प्रताप सिंह की आर्मी को हराई थी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उनके बहुत अच्छे थे, ठीक है, उनके नौ ज्वेल्स थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बहुत सारा लैंड रेवेन्यू सिस्टम निकाला था, ठीक है। जितने भी टैक्सेस थे वो हटा दिए थे, जो तीर्थ यात्रा पे टैक्सेस थे वो हटा दिए थे उन्होंने, ठीक है ना। तो आज जो है बेसिकली हम उस पर कुछ एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है ना, जो हमने पढ़ा है और जो एक्स्ट्रा पार्ट पे भी है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ अकबर, अकबर के फादर कौन थे। तो सबसे पहले मुगल एम्पायर जब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो फाउंडर है बाबर, बाबर के बेटे हुमायूं, ठीक है ना। उसके बाद हुमायूं के बाद कौन आते हैं, अकबर। तो अकबर किसके बेटे रहते हैं, हुमायूं के, ठीक है ना। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, डेट इज हुमायूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन वाज दिस सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हैपन, ठीक है ना। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था। ऑप्शन ए 1572, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1564, ऑप्शन डी 1557। ठीक है ना, अकबर ने जब स्टार्ट करा था ना, ठीक है ना, उनका जो रूलिंग पीरियड था 1556, उसी टाइम पीरियड में सेकंड बैटल ऑफ क्या हुआ था, पानीपत हुआ था। किनके किनके बीच हुआ था, अकबर एंड हेमू के बीच में हुआ था, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर, 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following place is considered as the birthplace of the Akbar, the greatest of the Mughal ruler? ठीक है ना, कौन सा place है जो कि अकबर का birth place है, और अकबर कौन थे जो मुगल एम्पायर के बहुत ही greatest ruler हुआ करते थे, ठीक है ना। ऑप्शन ए काबुल, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी अमरकोट, ऑप्शन डी दिल्ली। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया रिवीजन टाइम पे, है ना, अमरकोट उनका बर्थ प्लेस था, 1542, है ना, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु अबॉलिश द रिलीजियस टैक्सेस, है ना। किसने तीर्थ यात्रा और जिजिया जैसा जो टैक्सेस था उसे हटाया था, ठीक है, हुमायूं ने, बैरम खान ने, अकबर ने या बाबर ने।
ऑब्वियस हमने अभी रिवीजन पार्ट में भी देखा कि उन्होंने बहुत सारे टैक्सेस हटा दिए थे, ठीक है ना। क्या होगा ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी, अकबर, है ना, ऑप्शन सी अकबर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हेन डिड अकबर कैप्चर गुजरात, अकबर ने गुजरात पे कैप्चर कब करा था, कब उसे हासिल की थी, गुजरात को कब जीता था। 1572, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1564, ऑप्शन डी 1557। क्या होगा सही ऑप्शन, ऑप्शन ए, दैट इज 1572 में उन्होंने गुजरात पर कैप्चर करा था, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सिक्स। हु बिल्ड द सिटी फतेहपुर सिकरी, किसने फतेहपुर सिकरी बनाया था, बनवाया था। हुमायूं, ऑप्शन बी बैरम खान, ऑप्शन सी अकबर एंड ऑप्शन डी बाबर। किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था, ऑप्शन सी है ना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर अकबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर अकबर द मुगल रूरल सॉ सी फॉर द फर्स्ट टाइम। अकबर की पीरियड में, ठीक है ना, कौन सी ईयर में मुगल रूलर जो थे समुद्र को पहली बार उन्होंने देखा था। 1542, 1556, 1572 या 1582। क्या होगा सही ऑप्शन, ऑप्शन सी दैट इज 1572, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द टर्म मीर बख्श मीन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर, ठीक है ना। मीर बख्श का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। ही वॉज अ प्राइम मिनिस्टर, ही वॉज अ पे मास्टर जनरल, रिलीजियस एडवाइजर या म्यूजिशियन। क्या होगा सही ऑप्शन, मीर बख्श मीन्स ही वॉज ए पे मास्टर जनरल, ठीक है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाउ मेनी ज्वेल्स वेयर देयर इन द कोट ऑफ अकबर, कितने रत्न थे अकबर की कोट पे। 10, 11, 9 और 15। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। क्या होगा ऑप्शन सी, 9 रत्न यानी 9 ज्वेल्स थे उनके, ठीक
कोर्ट पे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Who was the most famous jewels in the court of Akbar? अकबर के कोर्ट में सबसे ज्यादा फेमस रत्न कौन थे? बिरबल, राजा मानसिंह, भगवान दास या तानसेन? यस, बिरबल जो थे बहुत ही उनके कोर्ट के बहुत फेमस ज्वेल्स थे, बहुत अच्छे रत्न थे उनके, फेमस रत्न थे, ठीक है ना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन इन द कोर्ट ऑफ अकबर? कौन सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन थे अकबर की कोर्ट में? बिरबल, राजा मानसिंह, भगवान दास या तानसेन? यस, क्या होगा सही ऑप्शन? बहुत सिंपल सा है, ऑप्शन डी, तानसेन थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द फेमस बुक अकबरनामा? अकबरनामा जी एक बहुत ही फेमस बुक है, उसे किसने लिखा था? बिरबल ने, अबुल फैजल ने, भगवान दास ने या तानसेन ने? बिरबल ऑप्शन हो नहीं सकता, तानसेन वॉज द म्यूजिशियन, भगवान दास उनके कोर्ट के थे, अबुल फैजल कौन थे राइटर जिन उन्होंने बुक लिखी थी अकबरनामा पे, ठीक है ना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ट बुलंद दरवाजा? बुलंद दरवाजा को किसने बनाया था? हुमायूं, बैरम खान, अकबर या बाबर? यस, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अकबर ने बनवाया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Where is इबादत खाना सिचुएटेड? इबादत खाना कहाँ पे सिचुएटेड है? एंड व्हाट इज इबादत खाना? इबादत खाना क्या था? ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था, ये क्या था? एक वर्कशिप प्लेस था, ठीक है ना। आगरा में है, दिल्ली में है, फतेहपुर सिकरी में है या कहीं पे भी नहीं है इनमें से? यस, कहाँ पर है? फतेहपुर सिकरी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फतेहपुर सिकरी में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिलीजन फाउंडेड बाय द अकबर? कौन सा रिलीजन था जो कि अकबर ने बनाया था, फाउंड किया था? सिंपल सा है जो ऑप्शन है उसमें, बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है, दीन इलाही उन्होंने बनवाया था, ठीक है ना। जैनिज्म वॉज नॉट, बुद्धिज्म वॉज नॉट, ठीक है ना, और इनमें से कोई हो नहीं सकता, ठीक है। तो ऑप्शन ए, दीन इलाही वॉज फाउंडेड बाय द अकबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद जब हम एक कंप्लीट रिविजन करेंगे तो मुगल एम्पायर पे और भी ढेर सारे क्वेश्चन देखेंगे। सो लास्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, इन विच बैटल अकबर डिफीटेड महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़, ठीक है ना। महाराणा प्रताप को कौन सी बैटल में अकबर ने उनको डिफीट करा था? बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ चौसा, इनमें से कोई भी नहीं।
ठीक है, तो क्या होगा सही ऑप्शन, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ठीक है ना। बैटल ऑफ हल्दी घाटी में अकबर की आर्मी ने महाराणा प्रताप को हराया था, ठीक है ना। बैटल ऑफ पानीपत किनके किनके बीच हुआ था, पार्ट वन नॉट पार्ट टू, पार्ट वन, अकबर बाबर एंड किनके बीच हुआ था, इब्राहिम लोधी के बीच में। बैटल ऑफ चौसा, शेरशाह सूरी शेरखान जो थे, ठीक है ना, उन्होंने किनको, हुमायूं को हराया था, ठीक है ना, मुगल एम्पायर को हराया था। सो फ्रेंड्स, ये आज के लिए इतना ही रखते हैं अकबर पे, ठीक है ना। जब हमें कंप्लीट रिवीजन करेंगे ना अकबर मतलब मुगल एम्पायर पे, तो मुगल एम्पायर से रिलेटेड और भी न्यू क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग, ठीक है, और उसमें कुछ रिविजन पार्ट भी रहेगा, ठीक है। सो अब जो हम लोग नेक्स्ट स्टार्टअप करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद अकबर के सक्सेसर पे देखेंगे कि अकबर के बाद उनको किसने सक्सेसर किया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो एम्पायर थे वो हमारे जहांगीर थे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग जहांगीर पे ओवरव्यूज लेंगे, उनके टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट देखेंगे, ठीक है ना, और उनके टाइम पे जितनी भी अटैक वगैरह हुए थे वो सारे देखेंगे। सो होप फ्रेंड आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना ना भूलिए।